बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश व खुर्रम रखे, अपनी रहमतों के साए में रखे, हमेशा बहारों के साए में रखे और हर बुरी नज़र से बचाए। आमीन सुम आमीन। आज हम करेले कीमा बनाने लगे हैं, जिसके लिए मैंने ये एक किलो करेले काट के नमक लगा के मैंने इसको धो लिया हुआ है। नमक लगाने से इसकी करवाहट ख़त्म हो जाती है। नमक लगा के रख दिया एक दो घंटे के लिए, फिर इसको हमने धो दिया, धो के छली में रखा, फिर हाथों की मदद से भी इसको निचोड़ा है। ये कीमा, आधा किलो प्याज, इतने ही टमाटर हैं डेढ़ पाव, लीमू, सब्ज़ मिर्चें, अदरक लहसुन का पेस्ट। सबसे पहले हमने करेले फ्राई कर लेने हैं। हांडी वाले 3 चम्मच भर के मैंने ऑयल के डाल लिए हैं। अब हम आग जला लेते हैं। ऑयल देख लें गर्म हो चुका है। अब हम इसमें करेले डाल के फ्राई करते हैं। करेले हमने डार्क ब्राउन नहीं करने, जितनी देर में हमारे करेले फ्राई होते हैं हम प्याज टमाटर वगैरह काट लेते हैं। ये देख लें कलर चेंज होना शुरू हो चुका है, 5 मिनट हुए हैं अभी इसको पकते हुए। अल्हम्दुलिल्लाह ये देख लें करेले मेरे फ्राई हो चुके हैं। 7 से 8 मिनट लगे हैं फ्राई होने में। अब हम इसको ऑयल में से निकाल लेते हैं और इसी ऑयल में हमने कीमा फ्राई करना है। करेले मैंने निकाल लिए हैं। अब हम ये 2 गर्म तेल वाली इलायचियाँ डालेंगे इसी ऑयल में। और अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हम 2 मिनट फ्राई करेंगे तो फिर टमाटर और सब्ज़ मिर्चें शामिल कर देंगे। 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम टमाटर और सब्ज़ मिर्चें शामिल कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 से 3 मिनट के लिए इसको कवर कर देंगे ताकि टमाटर हमारे गल जाए। एक टेबलस्पून नमक, 2 टेबलस्पून लाल मिर्च, 1/2 टेबलस्पून हल्दी और 1 टेबलस्पून साबुत खुश्क धनिया और 1/2 टेबलस्पून ज़ीरा। अब हम टमाटर के अंदर ये शामिल कर देते हैं मसाला जात। 2 मिनट हो चुके हैं इसको कवर किए हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम ये मसाला जात बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे से मिक्स करके इसके अंदर हम कीमा शामिल कर देते हैं। अब हम इसके अंदर कीमा शामिल कर देते हैं। कीमा हमारा तकरीबन 3 पाव है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको हमने हल्की आंच पे भूनना है अच्छे से 15 मिनट। पूरे 15 मिनट हल्की आंच पे इसको कवर करके रखना है हमने, ताकि कीमा हमारा गल जाए और उसके अंदर जो पानी है वो भी खुश्क हो जाए। कीमे के अंदर जो पानी है हमने कोई पानी शामिल नहीं किया। अब हम ये लीमू कीमे के अंदर निचोड़ देते हैं इसकी मदद से। 15 मिनट हो चुके हैं, अब हम देख भी लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत प्यारी खुशबुएं आ रही हैं। अब हम इसके अंदर प्याज शामिल करते हैं जो हमने अभी तक नहीं किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
प्याज को हमने पहले छीला, फिर इसको धोया, फिर काटा ताकि इसके अंदर भी पानी ना हो, तो जो इसके अंदर खुद का पानी होगा वो खुश्क हो जाएगा 5 मिनट में। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और 5 मिनट में इसका पानी खुश्क हो जाएगा। आग हमने अब मीडियम कर दी है ताकि प्याज का जो खुद का पानी है वो खुश्क हो जाए और प्याज भी गल जाए। 5 मिनट बाद हम इसमें करेले शामिल करेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं प्याज को भूनते हुए, अब हम करेले शामिल करते हैं जो हमने फ्राई करके रखे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करेले डाल के हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है और 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे, दम वाली आंच पे दम लगाना है इसको ताकि सारे मसाले आपस में मिक्स हो जाए, करेले में मिक्स हो जाए। करेले अच्छे से मिक्स कर लिए हैं, अब हम दम वाली आंच पे 10 मिनट के लिए इसको दम लगाएंगे। 10 मिनट हो चुके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबुएं आ रही हैं मेरे अल्लाह की शान। माशाल्लाह। अब हम डिश आउट करके दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा हमारा सालन तैयार हुआ है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, अगली रेसिपी में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।